एम हरवीर गुजर, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान अलवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, आप जुड़ जाइए ध्यान से और चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए और शेयर करते रहिए। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहली खबर नूर। तो देखिए दोस्तों, नूर क्या है? ये ईरान के द्वारा पहला सैन्य उपग्रह भेजा गया है, जो मध्य रेगिस्तान से भेजा है, ईरान के मध्य रेगिस्तान से। तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या है दोस्तों। ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह का परीक्षण किया। ईरान के मध्य रेगिस्तान को दस्त ए कावेरी भी कहते हैं। तो देखिए, दस्त ए कावेरी भी कहते हैं, मध्य रेगिस्तान है जो ईरान का। तो यहां से भेजा गया ये सैटेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विद्यादान 2.0। विद्यादान 2.0। तो दोस्तों, एचआरडी मिनिस्टर ने क्या किया है, जो ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है, क्या नाम है दोस्तों, मानव संसाधन मंत्री का, यह है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। तो इन्होंने एक ई लर्निंग सामग्री कार्यक्रम को विकसित करने के लिए विद्यादान 2.0 शुरू किया है, और इसका उपयोग दोस्तों दीक्षा ऐप के माध्यम से किया जाएगा। दीक्षा ऐप के माध्यम से इसका क्या किया जाएगा दोस्तों, उपयोग किया जाएगा। दीक्षा ऐप कब शुरू किया गया था दोस्तों, 2017 में। तो आपको ध्यान रखना है, विद्यादान 2.0 किसने लॉन्च किया है, एचआरडी मिनिस्टर ने। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे जो इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सामग्री है, वो इसके जरिए मतलब विकसित किया जाएगा, और इसका उपयोग दीक्षा ऐप के माध्यम से होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, एंथूरियम। तो दोस्तों, एंथूरियम क्या है, एक सुगंधित पुष्प है दोस्तों, और इसकी नई 10 किस्में विकसित की हैं। किसने की हैं दोस्तों, डी बासिनी बाई ने इसकी 10 नई किस्में विकसित की हैं एंथूरियम की। डी बासनी बाई दोस्तों कहाँ की है, केरल की है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। केरल की बात करते हैं तो एक बात और देख लेते हैं पहले, ये पुष्प है जो वायु को शुद्ध करेगा, और ये जो रसायन होते हैं जो खतरनाक वाले, जैसे एल्डिहाइड है और दोस्तों जाइलीन है, अमोनिया है, टोलुइन है, और एलर्जी वाले कुछ होते हैं रसायन, उन सबको नष्ट कर देता है दोस्तों, ठीक है, एंथूरियम, ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल के अभी सीएम कौन है दोस्तों, पिनराई विजयन, और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। यहाँ का जो फेमस नृत्य है वो कथकली है दोस्तों, और यहाँ का जो सबसे पुराना भारत का मार्शल आर्ट है वो कलारीपयट्टू है। यहाँ का एक नृत्य मोहिनीअट्टम भी है दोस्तों। तो ये बातें आपको केरल के बारे में पता होनी चाहिए। और एक पीस वैली राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, ये है केरल में, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है दोस्तों। और पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो देखिए दोस्तों, जो फ्रीडम होते हैं, जहां पर पत्रकारों को, मीडिया कर्मियों को, इन सबको बहुत ज्यादा स्वतंत्रता होती है, उस आधार पर रैंक जारी होती है। ये रिपोर्ट विदाउट एक वो है बॉर्डर, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी की जाती है ये रिपोर्ट। और भारत की रैंक 180 देशों में 142वीं रही है 2020 में, 180 देशों में 142वीं, और पिछले साल 2019 में 140वीं थी। पहले नंबर पर इस बार कौन रहा है दोस्तों, नॉर्वे रहा है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क रहा है। और दोस्तों बात करते हैं अंतिम नंबर पर कौन रहा है इसमें, लास्ट 180वां स्थान किसका रहा है इसमें, तो उत्तर कोरिया का रहा है 180वां। क्योंकि दोस्तों वहां पर जो पत्रकार वगैरह होते हैं,
वो बिना सरकार के कोई चीज लॉन्च नहीं कर सकते। यही हाल चाइना का भी रहा है, चीन का स्थान रहा है यहाँ पर 177वां, यानी 3 स्थान ही कम है लास्ट से, ठीक है। और पड़ोसी देशों में हम देखते हैं दोस्तों, तो भूटान की अच्छी स्थिति है, 67वां स्थान रहा है भूटान का। उसके बाद नेपाल की भी ठीक ठाक है, भारत से तो बेहतर है, 112वां है। उसके बाद म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार का भी भारत से बेहतर है, 139वां स्थान है। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का 145वां है, भारत से 5 पायदान नीचे है। और बाकी हम देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश का 151वां रहा है और चाइना का 177वां स्थान। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट जारी कौन करता है? रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए COVID-19 के कारण भारत में रेमिटेंस 33% तक गिरा। तो दोस्तों ये रेमिटेंस क्या होता है? तो देखिए, जो प्रवासी भारतीय होते हैं जो अन्य देशों में कमाते हैं, वो अपने परिवारों को जो पैसे भेजते हैं वो रेमिटेंस कहलाता है। तो 2019 में $23 बिलियन रेमिटेंस आया था, और अभी 23% गिर करके 2020 में ये कितना रह गया दोस्तों? ये $64 बिलियन रह गया, अमेरिकी डॉलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेमिटेंस आप समझ ही गए, जो प्रवासी भारतीय होते हैं जो अपने परिवार को यहाँ पर पैसे भेजते हैं उसे रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 23% गिर गया 2020 में $64 बिलियन, 2019 में $83 बिलियन था ये। नेक्स्ट बात करते हैं, आरक्षण का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को मिले, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरक्षण का लाभ किनको मिलना चाहिए? वास्तविक जो लाभार्थी हैं उन्हीं को मिलना चाहिए, जिन लोगों ने 70 वर्ष से इसका फायदा उठा रहे हैं और जो उनमें सक्षम हो चुके हैं सभी तरीके से, उनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी वही क्रीमी लेयर की अवधारणा के बारे में बात करी है। बात ये स्टार्ट ऐसे हुई है दोस्तों कि 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, पीठ बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में। वो किस लिए बनाई गई? क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर स्कूलों में जो टीचर पढ़ाएंगे उनके लिए 100% आरक्षण वहां पर आदिवासियों को ही दे दिया दोस्तों, 100%। तो फिर वहां पर क्या इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है कहीं पर भी इतना ज्यादा आरक्षण। बाकी वहां जैसे कोई भी ओबीसी कास्ट के हैं, जनरल कास्ट के हैं या अन्य कास्ट के जो भी हैं, वो बंदे क्या करेंगे वहां? वो टीचर ही नहीं बन सकते जबकि वो उनके बीच में वहां रह रहे हैं। तो इस वजह से असंवैधानिक करार कर दे दिया। तो वहां के जो गवर्नर है वो कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। और वहां के सीएम कौन है दोस्तों? वहां के सीएम है जगमोहन रेड्डी। वहां के सीएम है, कैपिटल 3 है दोस्तों, एक तो है अमरावती, एक कुरनूल, एक विशाखापट्टनम, ठीक है। बाकी अभी ये बाद में जाकर के प्रारंभ होएंगी, अभी तो हैदराबाद को ही माना जाता है, लेकिन 2024 से ये 3 कैपिटल बन जाएंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश का नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी नृत्य है वहां का प्रसिद्ध, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो महामारी रोग अध्यादेश। तो दोस्तों अभी 22 अप्रैल को एक अध्यादेश लाया गया, जिसमें क्या किया गया, जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं लोग, जैसे स्वास्थ्य कर्मी किसी क्षेत्र में गए और वहां पर टेस्टिंग वगैरह करने के लिए गए तो उन पर मतलब पत्थरबाजी वगैरह कर देते हैं, उन पर मतलब हिंसा हो जाती है, तो इस हिंसा से उनको बचाने के लिए एक अध्यादेश लाइए। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है, ठीक है। और राज्यों में यह अध्यादेश लाया जा सकता है अनुच्छेद 213 के तहत, गवर्नर लाता है, यहां पर राष्ट्रपति लाता है। तो यह अध्यादेश क्या लाया गया है दोस्तों, कि यदि कोई भी डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कोई भी हिंसा करता है तो उसको 3 माह से लेकर 5 वर्ष तक की तो सजा होगी,
3 माह से लेकर 5 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपए से लेकर 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। लेकिन यदि चोट गंभीर पाई गई तो फिर 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक की सजा है और 1,00,000 रुपए से 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। तो दोस्तों ये अच्छे से आपको दोनों पॉइंट क्लियर करना है और ये अपराध गैर जमानती माना जाएगा, यानी इसमें जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अच्छा है क्योंकि डॉक्टरों को स्वास्थ्य कर्मियों को भगाया जा रहा है COVID-19 के कारण, वो भाग भाग के अपनी जान बचा रहे हैं और कोई पत्थर मार रहा है उन पर कोई, जबकि डॉक्टर कर किसके लिए रहे हैं, जनता के लिए। तो ये ठीक काम किया है गवर्नमेंट ने। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम उस, अब एक बात और ध्यान रखनी है, महामारी रोग अधिनियम कब का है दोस्तों? तो महामारी रोग अधिनियम है दोस्तों 1897, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और संशोधन करके और ये काम किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊषा गांगुली का निधन। दोस्तों ऊषा गांगुली रंगमंच कर्मी है, यानी अभिनेत्री है। इनका नाटक फेमस था एक गुड़ियाघर, नाटक कौन सा था? गुड़ियाघर। और रंगकर्मी या अभिनेत्री, आपसे पूछा जाएगा हाल ही में ऊषा गांगुली का निधन हो गया वो क्या थी, तो रंगकर्मी या अभिनेत्री वहां पर आएगा दोस्तों। आपको दूसरा ये भी ध्यान रखना है, ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, तो इनकी जन्मभूमि राजस्थान और कर्म भूमि इनकी कोलकाता थी, पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों हम दोनों राज्यों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के CM अशोक गहलोत, यहाँ के गवर्नर कलराज मिश्र, यहाँ की कैपिटल जयपुर जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है और यूनेस्को की 38वीं विश्व धरोहर सूची में गुलाबी शहर को, जो परकोटा है उसको शामिल किया गया है। 43वां सम्मेलन हुआ था यूनेस्को का उसके दौरान। और दोस्तों बात करते हैं तो जयपुर का जो गुलाबी रंग करवाया था वो राम सिंह दित्य ने करवाया था और यहाँ अल्बर्ट हॉल भी बना हुआ है और बिरला मंदिर है यहाँ पर और चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर है, लुणियावास जयपुर में गधों का मेला लगता है दोस्तों। और बात करते हैं तो सील डूंगरी में शीला देवी का मंदिर है। राजस्थान के बारे में आप बहुत सारी बातें आप राजस्थान जीके में जानोगे, हम पढ़ा रहे हैं आपको रेगुलर। और बात करते हैं हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के जो CM है ममता बनर्जी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं वो। वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है, कैपिटल कोलकाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं 23 अप्रैल को अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? अंग्रेजी दिवस, क्योंकि 23 अप्रैल 1564 को जो महाकवि थे, क्या नाम था, शेक्सपियर, उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल और 1564 को जन्म हुआ और 23 अप्रैल को इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल। इसके बाद हम बात करते हैं फेसबुक ने जियो के 9.9% शेयर खरीदे हैं और कितने में दोस्तों? 43,574 करोड़ रुपए में। ठीक है, क्योंकि जियो मार्ट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। जियो मार्ट क्या है दोस्तों? ये ऑनलाइन जो क्या होता है, ऑनलाइन जो डिलीवरी कंपनी होती है उन्हीं, इसी तरीके से जियो मार्ट का लॉन्च किया गया है। तो इससे क्या, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट ने खरीदी थी, तो फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इन सबको भी अब थोड़ी दिक्कत आने वाली है और यहाँ पर पेमेंट व्हाट्सएप के द्वारा किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने नेपाल को 23 टन दवाएं गिफ्ट की हैं। गिफ्ट उपहार स्वरूप भारत ने 23 टन दवाएं नेपाल को दे दी है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और नेपाल की बात करते हैं तो वहां की कैपिटल काठमांडू है, सार्क का हेडक्वार्टर भी है काठमांडू में। और दोस्तों सार्क का गठन 1985 में हुआ था और आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि उसमें 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? जो भी भारत के पड़ोसी हैं लगभग, वो देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान,
भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये देश हैं दोस्तों सार्क में, ठीक है। और यहाँ के जो पीएम है नेपाल के वो केपी शर्मा ओली हैं, और यहाँ की राष्ट्रपति है दोस्तों विद्या देवी भंडारी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।